के चरणों में आप सब लोगों की भक्ति है, कृष्ण के चरणों में भी है क्योंकि उनसे भी अधिक राधा जी के चरणों में प्रेम होने के साथ ये आप सबका कल्याण हो। और आज आप लोगों की संख्या भागवता जी बहुत कम है, बहुत कम आ रही है, ये तो हमारे सब लोग बैठे हुए हैं। मैं तो पहले तो आप लोगों से भर जाता था, इस बार तो भरा नहीं, क्या होगा। अपने अपनी सहेलियों को, अपने कुटुंब परिवार सबको लेकर के आना आया हूँ। अगली बार हम रहेंगे और देखेंगे कि कितना आदमी आप लोग, हम चाहते हैं कि इतना आदमी आओ तुम लोग, ये यहाँ पर हमें बैठने की जगह तक है, एक कम है और हमारा जो सब नमो महावदनाय नाम में गौरक्षिते गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय करके चली गया जिनको बात करना है और जिनको कथा सुननी है वो रहे और हमारे समय से और लोग भी सड़क बाजार में चले आओ कि हमारे कर्मचारी संज्ञान के लोग सामने जाना नहीं है। उसमें कुछली रेशे
दृष्टि का कोई भी फेंकने लायक नहीं है, तो भी उस रस का भी रस निर्जात कर अपनी मैया को सुनाया। सुनाते में अंत में एक श्लोक के द्वारा मंगलाचरण का कहने और अपनी कथा का विश्राम दे रहे हैं। मंगलाचरण के श्लोक के द्वारा जन जय जन उपसंहार कर रहे हैं, अंतिम उसको बतला रहे हैं उपसंहार। उसके साथ का साथ एक ही श्लोक में सारे श्रीमद् भागवत कृष्ण की लीला कथाओं का सब का वर्णन एक श्री कृष्ण जय जीतो साधारण स्तर से है। वही कृष्ण जय जीतो जो सबके हृदय में निवास करते हैं, जन निवास हो पृथ्वी में जितने भी जन है प्राणी मात्र है सबके हृदय में निवास करते हैं, इसलिए जन निवास हो। एक में छह विशेषण है, कृष्ण की जय हो रही है किंतु उनके विशेषण किए हैं छह। जन निवास, देवकी ज्ञान में माधव, जदुवर पवित्र, चोरी गोर जी दर्शन, श्री शिव अभिजी धरना, सुस्मित श्री मुखेना, ब्रजपुर बनिता, ये छह विशेषण की इसका अलग अलग हम व्याख्या करेंगे जैसा सनातन गोस्वामी ने व्याख्या किया। तो प्राणी मात्र के विश्व के प्राणी मात्र के जो हृदय में निवास करते हैं पहली बार, हम लोग समझे और ना समझे सबके हृदय में निवास अथवा जीव गणों के आश्रय होकर के नारायण जीवों के आश्रय होने पर भी देवकी में के हृदय में गर्भ में जन्म ग्रहण करते हैं। सारे जगत के हृदय में जो निवास करते हैं और बड़ी विचित्र बात हुई क्या, वो अब देवकी के गर्भ में यहाँ देवकी से दोनों को समझिए, देवकी और दशरथा में अब देवकी के गर्भ में जो जन्म ग्रहण किए हुए हैं ये केवल प्रसिद्धि मात्र है, बाद है विवाद भी हो सकता है और बाद माने प्रसिद्धि भी होता है। यह प्रसिद्ध है कि देवकी के गर्भ से ही जन्म लिया वो कृष्ण स्वयं भगवान। जदु श्रेष्ठ, जदुओं के श्रेष्ठ अक्रूर जी, उद्धव जी, उग्रसेन महाराज इत्यादि जो बड़े बड़े हैं विष्णु वंश वाले, वो सब जिनके सेवक हैं और पांडव दैत्य विनाश के लिए विनाश और उनका संहार कर धर्म की प्रतिष्ठा करने में उनकी पूजाएं हैं फल अतः उन्हीं के कृष्ण तो इच्छा मात्र से कर सकते किंतु अर्जुन और भीम के द्वारा दुष्ट असुरों का संहार किया महाभारत और धर्म की प्रतिष्ठा की। कावर और जंगम चलने वाले और नहीं चलने वाले समस्त जीवों के दुखों को हरण करते हैं। क्षीर क्षर प्रीति नस नाने दुख चलने वाले प्राणी है, नहीं चलने वाले प्राणी है, समस्त प्राणियों के समस्त प्रकार के दुखों का दूर करने वाले हैं। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख समना अब नमामि हरि, वो हरि ये कृष्ण है जिनका कीर्तन करने से सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। इस विश्वास के सहित में नाम करो, सुनती कथा को सुनो, ये तुम्हारे जितने प्रकार के जन्म जन्मांतर में होने वाले क्लेश हैं दुख हैं ये सभी दूर।
विश्वास नहीं होने से गड़बड़ हो जाए। विश्वास है आपको जिन्हें जो सुंदर उस कान से सोगी अपनी बंसी के द्वारा और अपने सुंदर मुख के द्वारा मैंने मुस्कुराते हुए मुख से ब्रज गोपियों के और फूल वालिताओं के वातावरण रुकमणी सप्तमाम इत्यादि और यहाँ ब्रज गोपी श्रीमती राधा चंद्रावली ललिता विशाखा इत्यादि मंजरी अनुसार काम को वर्णन करते हैं। काम मैंने यहाँ पर प्रेम समझो विशुद्ध प्रेम को वर्णन करते हैं। हमारे भी कर सकते हैं। जयति जयति ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल पिक्चर अभी कृष्ण की बंसी बजती है। अभी विवेक जन्म लिए हुए हैं। अभी श्राद्ध इत्यादि की लय कर रहे हैं। जन्म लीलाएं कर रहे हैं। इसलिए जयति शब्द का प्रयोग किया। ये तो हुआ मुखबंध मंगलाचरण उपसंहार का और मूल अर्थ और उसकी ये व्याख्या कर रहे हैं। इस प्रकार महाराज परीक्षित सामान्य रूप में और विशेष रूप में समस्त गोपियों का गोकुल वासियों का जितने में किम अकरोदनंदम यशोदा च महाभागा दशास्तनम इस तरह से और गोपियों के लिए वंदे नंद ब्रजे श्रीनाथ और दाशाम हो चरण रेणी दूषाम सब श्लोकों का रसायन के रूप में अपने भैया को उन्होंने सुनाया। ये अंतिम उपसंहार का ये श्लोक है। तो समाज रूप में विशेष रूप में गोकुल वासियों का महत्व वर्णन सारे गोकुल वासियों का जो कि ब्रह्मा ने और उद्धव ने और नारद जी ने और वक्ताओं ने बदलाया है भागवत में और सारों को एकत्र करके रसायन के नाम से अपनी मैया को सुनाया। और महात्मा वर्णन का दीप पद्यवसारे आशय अब उसका उपसंहार करने के लिए अंत में मंगलाचरण रूप भगवान महात्मा गान के द्वारा निज गुरु अपने गुरु कौन गुरु है सुखदेव गोस्वामी तरह को ही उपसंहार कर इसी श्लोक से सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद भागवत कथा का उपसंहार किया था और ईश्वरी में ये भी कर रहे हैं। ये कैसा दशम स्कंध के शेष में दशम स्कंध के शेष में अंत में भगवान सुखदेव गोस्वामी एक कंठ से इतने में सारे समुद्र एक कंठ से इसको पर चुल्लू एक चुल्लू में सारे समुद्र को पार कर लिया। उसी रूप में जैसे अगस्त जी ने एक चुल्लू में समुद्र को पार कर लिया वैसे कृष्ण चरित महासागर को पार करने के लिए मानो इस श्लोक को पढ़ने इसमें श्रीमद् भागवत का पूरा कथा और शास्त्रों में पुराणों में जहाँ तक जो कुछ कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है सबका वर्णन इसमें कर रहे हैं। एक बंधु उसमें पान कर कैसे ये वर्णन करेंगे सनातन गोस्वामी यदि अर्थ नहीं करते तो शायद सुखदेव गोस्वामी समझते या परिचित महाराज और किसी श्रोता के ये पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अर्थात कोटि कोटि ग्रंथों में जो वर्णन किया गया है कृष्ण की लिखित लीला लेकिन जितनी भी उनकी लीलाएं हैं संक्षिप्त स्वास स्वरूप प्रस्तुत विषय का उपसंहार करने के लिए जन ज्यों सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में जयति जयति के द्वारा उपसंहार रूप मंगलाचरण करते हैं। एक उसी
वो कृष्ण ऐसे कृष्ण है, इन विशेषणों से जो युक्त कृष्ण है वह क्या युक्त हो, वो विशेषण क्या है यहाँ पर पूर्व श्लोक, इसी श्लोक के पहले ये कहाँ का श्लोक है, दशम श्लोक इसी श्लोक यहाँ जय के जन्म पास हुआ, उसके पहले एक श्लोक है जिसमें कृष्ण कृष्ण के गुण चरित्र इत्यादि उससे समझो, अथवा यहाँ कथा के प्रकरण से समझ लो जो ये जय भी आया है कृष्ण के लिए। इस श्लोक में कृष्ण का नाम नहीं है, जय की जन्म विवाह हो देव की जन्म बाढ़ो गदबर परिषद जो दो जीवस धर्म फिर विजिनना सुस्मित सिंह के ना प्रजपुर बलिता नाम बल कृष्ण का नाम तो है, तो प्रसंग के अनुसार में इसको ले आओ, अथवा पहले के श्लोक में जो कृष्ण है कृष्णस्य कृष्ण का गुण और लीला चित्र ऐसा सुंदर है मनमोहक है समस्त कष्टों को दूर भगाने वाला है, हम समझे और न समझे कृष्ण का जो नाम करेगा उनकी लीला कथाओं को सुनेगा अपने आप कृष्ण हृदय में आ जाएंगे लीला के माध्यम से और उसके सारे दोषों को अनर्थों को दूर करेंगे, किन्तु अपराधन वैष्णव के प्रति हो भागवत के प्रति और मुख्य भागवत जो वैष्णव है भागवत के जो वक्ता प्रचारक हैं, उनका उनकी निंदा ये ग्रंथ नहीं शांत करते नहीं शांत इसलिए इसको छोड़ करके जो लीला कथा सुनेगा जरूर उसकी कृष्ण में रुचि होगी और भगवत भक्ति होगी। कुछ बात ग्रंथ का ग्रंथ पर मैंने सुनाकर प्रश्न लिखा राधिका राधिका की इस प्रकार नाना भावाकुल अवस्था वर्णन किया तरह तरह की राधिका जी की महिमा वर्णन किया है विशेष करके और अंत में इसमें क्या है समस्त लीला का था ब्रजपुर बलिता नाम वर्णन काम ब्रजपुर नाम ब्रजपुर ब्रजपुर माने कौन है वो गोपियां माताओं के तो काम को वर्णन करेंगे नहीं सखाओं के काम को वर्णन करेंगे नहीं दासियों के करेंगे नहीं ये गोपियों ने विशेष करके श्रीमती राधिका ललिता इत्यादि के साथ अवस्था का वर्णन करके जगत के राधानुगा मार्गीय साधकों को लीला स्मरण कैसे करना चाहिए उसकी विधि बता रहे हैं। ग्रंथकार श्री सनातन गोस्वामी पर नाना प्रकार के भावों के द्वारा वर्णन के द्वारा जगत के जितने राजानुगी भक्त हैं विशेष करके रूपानुगीय वैष्णव हैं ऐसे जो साधक हैं लीला कैसे स्मरण की जाएगी एकदम प्रारंभ से जन्म से लीला से आरंभ करके अष्टकालीन जितनी लीलाएं हैं ये सबका कैसे स्मरण करना चाहिए उसकी विधि दे रहे हैं ऐसे को पहले तो सुनेंगे गुरु वैष्णव के मुख से लीला करना और सुन करके फिर ऐसे ही हम लोग चिंतन करेंगे चिंतन यदि लीला का चिंतन करेंगे कृष्ण लीलाओं का और कृष्ण ने ये सब लीलाएं की है ये सब श्रमण करेंगे तो मरते समय में यदि कहीं भी स्मरण हो गया बस काम बन गया मरते समय अजामिल एक यदि नारायण नाम वो भी अपने बेटे के लिए कर करके भी वैकुंठ चला गया तो यदि कृष्ण का लीला कहीं तो सुनते सुनते सारा जीवन और अंत में राधा कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करके गोपियों का लीलाओं का स्मरण किया तो उसकी कौन सी गति होगी कृष्ण भी शायद वर्णन कर सके नहीं जाने राधा जी का दास्य उसको प्राप्त होगा ऐसा चाहिए किस प्रकार से बताया है सूची वेदों में ऐसा कहा गया ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठान तैतरीय परिषद ब्रह्म और प्रतिष्ठा
मूल क्या है, जिसकी पूछ और प्रतिष्ठा ब्रह्म है, ऐसे जिसे जगत इत्यादि की सृष्टि होती है, तो वो कैसे होंगे? इसलिए हमारे गोस्वामी ने इसकी व्याख्या की है। अर्थात अन्वय आदि और अन्नमय आदि कोष सकले जीव मूल आश्रय, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, इन सब के मूल आश्रय कृष्ण है, सबके मूल से परमानंद पुरुष रहते हुए उस परमानंद पुरुष से भी ब्रह्म जी ने जो ब्रह्म कुछ सदृश, वो जो ब्रह्म है वो कुछ सदृश है और आश्रय, मूलाश्रय कौन है? कृष्ण है और उसकी ये कुछ श्रुति वाक्य ब्रह्म उत्कर्ष श्रुति वाक्यों से वचनों से ब्रह्म का उत्कर्ष प्रकाशित सर्वत्र हुआ, ब्रह्म सूत्र में विशेष कर हुआ ब्रह्म, उसमें भी ब्रह्म संहिता में है ना। तद अनंत उस ब्रह्म से भी परात्पर भगवत तत्व प्रकाशित है, उस ब्रह्म से भी परात्पर तत्व जो भगवत तत्व है, कृष्ण तत्व है, वे प्रकाशित है। रसो वही रस, रसमय है, रस स्वरूप है, रस ही ये वायन लक्षानंदी भवती, रसम ही एवं अयन लक्षानंदी भवती, उत्तरस स्वरूप कृष्ण को पाकर के जीवन में मनुष्य नहीं सुखी हो सकता है, जीवन प्राणी मात्र हो सकता है। इस प्रकार से रस तत्व को ब्रह्म से परात्मा रूप में निर्देश होगा, इसलिए रस तत्व को ये जो ब्रह्म है इसलिए रस तत्व जो कृष्ण है रसो भैसा वे श्रेष्ठ है, परात्मक श्रेष्ठ कौन? कृष्ण। पीछे सार वेदांत सार निहित प्राण शिरोमणि भागवत में इस प्रेम स्वरूप भगवान को मल्ला नाम अशिनी नीनाम नरवर नाम स्मरो मूर्तिमान इत्यादि वर्णन किया है। वही कृष्ण रसो वैश्य वही भारत रसों के अधिष्ठात्री देवता है, उन सभी रसों में इनकी आराधना होती है, श्रीमद् भागवत में बताया गया। तो इसके व्याख्या सनातन गोस्वामी ने अनुमत की है। मल्लों के निकट जो युद्ध करने वाले हैं कृष्ण के लिए चारों मुष्टि की चारी असंग वज्र के समान है दिखने में, छोटे से बच्चे अभी हैं, अभी वृंदावन से ब्रज से नंदगांव से अभी मथुरा में आए हैं, कुबैलापीठ जैसी हाथी को मारकर दांतों को उखाड़ दिया, रक्त के छींटे पड़ गए हैं और वर्षाओं की भांति वहां से चले। जब अखाड़े में पहुंचे तो तार फोड़ने लगे तो चारों मुष्टि डालने पर उन्होंने कहा कि हमारे उम्र वाले लोगों से उम्र की कोई जरूरत नहीं है, तुमने बड़े बड़े लोगों को पछाड़ा है। पर भीड़ गए किंतु जब भीड़े तब जबकि पंजाब मिलाया हमारे वज्र के समाज मल्लाना अश्विनी वज्र के और मेदान मनुष्यों का निकट नर श्रेष्ठ अत्यंत सुंदर नल भारत के रूप नारियों के निकट में मूर्तिमान समुद्र
वहां पर जितनी नारियां थी कृष्ण को देखा गंधर्व के समान परम सुंदर आकर्षक देखा। इस प्रकार इन वचनों के द्वारा कृष्ण को रस स्वरूप वर्णन किया और वो भी द्वादश रसों से उनकी आराधना होती है ये भी दिखला है। अतएव रससुत स्वयं भगवान ही अपने नाम रूप गुण लीला के द्वारा जीव की इंद्रिय वृत्ति में अवतरण कर यथा कर ये कृष्ण ही जीव की इंद्रियों में दया कर हरि कथा के माध्यम से नाम के माध्यम से सेवा के माध्यम से कृष्ण क्या करते हैं हमारे इंद्रिय समूहों में अवतरण करते हैं माने क्या आंख के द्वारा दिखाई दे सकते कान के द्वारा उनको सुना जा सकता है उनकी बरसी सब समय बज रही है जैसी शब्द के द्वारा वर्तमान सारी इंद्रियों में मन में उदित सत्यम की चिंता ध्यान भी किया जा सकता है। कैसे ध्यान करेंगे वृंदावन जमुना जी कलकल बह रहे दोनों किनारे पर बेली चमेली और तुलसी जी के वृक्ष पौधे लगे हुए और मयूर केका कर रहे हैं कोयल गुफा कर रही है जमुना का पानी अत्यंत सुंदर निर्मल है और तिरछी बह रही है तेरी तेरी कृष्ण के परिवार कर कर फैसले हैं और ये ध्यान करते हुए अपने मंत्र को उच्चार गोपाल मंत्र से लेकर के जो जो तो इंद्रियों के वृत्ति पर उतारायण कृष्ण ये प्रसाद दिला रहे हैं सनातन गोस्वामी। हाय मत करो यदि तैने कोई अपराध नहीं किया और ये लीलाओं का स्मरण या किसी प्रकार से इंद्रिय की कोई भी वृत्ति यदि स्पर्श कर जाए तो बस कृष्ण उतरेंगे हमारे लिए। और चलने वाले जो प्राणी हैं पशु पक्षी और नहीं चलने वाले पहाड़ नदी वृक्ष गुल्म लता इन सब के हृदय में अवतीर्ण होकर के उनके सारे दुखों कष्टों को दूर कर दे ये विश्वास रखना है कृष्णदास कृष्ण टाइम भाई इन लोअर नाउ वेन यू एक्सप्लेन अपर आपकी वेकेंसी और आरती आरती